सो हे गाइस, दिस इज रोड स्टेशन एंड आई एम क्षितिज। और आज के वीडियो में हम लोग हमारे सिविक का गियर नॉब चेंज करने वाले हैं। सो ये है ओरिजिनल टाइप आर का गियर नॉब। ये मैंने अमेजोन से खरीदा था और ये अप्रॉक्सिमेट 2000 रुपीज का खरीदा था। तो ये हम लोग ने बीच में फिटिंग किया था, पर हम लोग का लेदर फट गया था, तो इसलिए मैंने ये निकाल के अपना स्टॉक वाला वापस लगा दिया था। सो अभी मैं वाशी आ चुका हूँ और आज हम लोग ये हमारा टाइप आर का गियर नॉब फिट करने वाले हैं। और इसके नीचे का जो कपड़ा आता है ब्लैक एंड रेड में, जो ओरिजिनल टाइप आर में आता है, वो हम लोग कस्टम मेड बनवा के लगाने वाले। सो आज का वीडियो देखते हैं। सो गाइस, ये हमारा स्टॉक गियर नॉब है होंडा सिविक का, एकदम मतलब शैबी टाइप है थोड़ा सा। एकदम इसकी डिजाइन ठीक है, मतलब कंफर्टेबल है, पर लुक्स में इतना अच्छा नहीं है। और ये काफी स्पेशल है, ये अभी आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। ये फुल क्रोम का है, ये थोड़ा आपको बाद में अच्छे से दिखाता हूँ मैं। और इसका ये जो नीचे का कपड़ा है, ये ऐसा कुछ है, थोड़ा फटफट गया है थोड़ा, और ये पुराना हो गया, तो अभी ये भी मैं नया डालने वाला हूँ। तो भी पूरा ब्लॉग देखो। सो गाइस, हमारा पुराना वाला भी गियर निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हाँ, चेक कर। और ये ओरिजिनल टाइपर वाला में है, जो मैं बोल रहा था, क्रोम एंड रेड। काफी स्पोर्टी लग रहा है। तो अभी इसका नीचे का ये बनाते हैं अपना क्लॉथ, फिर देखते हैं इसका फिटिंग वगैरह कैसा आता है। सो गाइस, ये हमारा पुराना गियर वाला क्लॉथ है, अभी इसको बराबर चेंज करेंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका फिटिंग कैसा आता है। सो गाइस, ये अपनी सिविक है और ये मेरे फ्रेंड की वर्ना है, और आज हम लोग इसमें जेट ब्लैक टिंट लगाने वाले हैं। सो ये जेट ब्लैक टिंट है इधर, और इधर पीछे जेट ब्लैक टिंट डालने वाले अभी। तो देखते हैं अभी ये व्हाइट गाड़ी पे जेट ब्लैक लुक कैसा आएगा। अभी देखो, इधर ट्रायल के लिए जेट ब्लैक ऑलरेडी लगा दिया है, अंदर का कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं अभी इसका भी फाइनल लुक देखेंगे पूरा, और हमारा गियर नॉब भी अभी बन रहा है, तो दोनों का लुक देखेंगे जल्दी। सो गाइस, ये हमारे लुक का अभी बन गया है नया, इसको क्या बोलते हैं, गियर बूट। तो हम लोग का नया गियर बूट बन गया है, ब्लैक विथ रेड स्टिचिंग, एकदम स्पोर्टी। तो अभी इसकी फिटिंग देखते हैं थोड़े टाइम में। सो गाइस, हम लोग का अभी 90% फिटिंग हो गया है गियर नॉब का। इसका मैंने हाइट वगैरह भी एडजस्ट कर दिया है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है हमारा गियर नॉब, रियल टाइप आर वाला गियर नॉब है ये, विथ ब्लैक एंड रेड स्टिचिंग। इसमें थोड़ा मैं शायद इसका हाइट बढ़ाने कम करने की सोच रहा हूँ, और इसका ये इधर थोड़ा फिटिंग है वो भी टाइट करने की सोच रहा हूँ, फिर देखते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं इधर जेट ब्लैक टिंट लग गई है अभी दोनों डोर्स पे, और आगे कुछ नहीं है, तो डिफरेंस देख सकते हो आप। और अभी बंद करता हूँ, ये कुछ भी नहीं दिख रहा इधर से, और इधर से सब कुछ दिख रहा है। ये भी फिटिंग हो गई है, आगे 50% लगाने वाले हम लोग, और ये जेट ब्लैक है। सो गाइस, 50% काम तो हो गया है गाड़ी का। ये दो विंडोज और पीछे का रियर विंडो पूरा जेट ब्लैक हो गया है, और गाड़ी का लुक एकदम सही आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी पूरा कंप्लीट होएगा तो देखते हैं। सो गाइस, अभी ये रियर विंडो का एक चल रहा है अभी काम, ऑलमोस्ट अभी हो गया है, 90% काम हो गया है। तो आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी गाड़ी का काम कंप्लीट हो गया है, और आ देख सकते हो इसका लुक, क्लास लुक आ रहा है गाइस, क्लास। वाइट गाड़ी पे फुल जेट ब्लैक टिंट, लुक तो काफी अच्छा आ रहा है। सो अभी देख सकते हैं आप, बेस्ट दिख रही है, बेस्ट। और वो अपनी सिविक पीछे। सो या, सो गाइस, अपने वरना का तो फाइनल लुक देख लिया रहेगा, और आई होप आपको पसंद आया रहेगा। सो अभी हम लोग अपने गियर नॉब का भी फाइनल लुक देखो, तो देख सकते हैं आप,
फुल क्रोम टाइप आर गियर नॉब और मैट ब्लैक प्लस रेड स्टिचिंग बूट। तो कैसा लग रहा है ये? इनिशियल इंप्रेशंस अच्छा दिख रहा है, सो अभी इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू देखते हैं। सो या So thanks for watching guys, this is Shitish signing off and I hope to see you in my next video.